गाइज अवी ऑल दिस इज़ मी सलोनी सना. वेलकम और वेलकम बैक टू जस्टिक कॉस्मेटिक्स. सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सीरम वर्सेज क्रीम. तो ये कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपको बस इन दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस आपको बताने वाली हूँ कि कौन सीरम का क्या एडवांटेज है और क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स वगैरह का क्या एडवांटेज है. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे सीरम और मॉइस्चराइजर के बीच में. तो सीरम में एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है एज कम्पेयर टू मॉइस्चराइजर्स. और मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो थोड़े से गाढ़े होते हैं. इनका काम आपके आपके बॉडी को आपके फेस को मॉइस्चराइज करना होता है, आपके फेस को हाइड्रेशन देना होता है बेसिकली. अब बात करते हैं पर्पस के बारे में. तो सीरम्स अपने पोटेंशियल के कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि फेस में रिंकल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एंड मॉइस्चराइजर का काम है बेसिकली आपके जो फेस है और आपका बॉडी उसको मॉइस्चराइज करना. और बेसिकली उनका काम होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से लड़ना. एंड एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि जो सीरम्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं एंड बहुत डीपली आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं. एंड इनका रिजल्ट काफी जल्दी आपको देखने को मिलता है. बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में. तो सबसे पहले हम सीरम अप्लाई करते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाता है आपके स्किन में. और इसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करने के लिए, अपने फेस को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज रखने के लिए हम एक थिक बेस्ड क्रीम लगाते हैं. थिक बेस्ड करेक्ट वर्ड नहीं है, मतलब हम अपने बॉडी को, अपने फेस को बेसिकली मॉइस्चराइज करते हैं ताकि हमारा जो सीरम है वो डीपली पेनिट्रेट तो करे, साथ ही साथ हमारे फेस को भी अलग से मॉइस्चराइजर अलग से हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करे. वाटर बेस्ड सीरम्स होते हैं ना, वो सभी के स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं. मतलब कि सारे स्किन टाइप वाले, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कोई भी ये ऑयल वाटर बेस्ड वाले सीरम्स जो हैं वो कोई भी यूज़ कर सकता है. बट मॉइस्चराइजर्स में क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर जो लोग होते हैं थिक बेस्ड होता है तो ज़्यादातर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं मॉइस्चराइजर यूज़ करना. जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो जेल बेस्ड बेसिकली मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं. एंड एक और चीज़, अगर सिरप और मॉइस्चराइजर दोनों मिल जाए तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.